स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे एक ऐसा सैलड जिसमें आपको खट्टा मीठा तीखा सारे स्वाद मिलेंगे और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं स्प्राउट सैलड। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक ड्रेसिंग तैयार करेंगे। ड्रेसिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ये चॉप गार्लिक लिया है। इसके साथ साथ मैं इसमें ये थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक लिया था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, और एक मैंने हरी मिर्च ली है इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ी सी तीखेपन के लिए सेजवान सॉस। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच के करीब सोया सॉस, साथ ही साथ विनेगर डालूंगी इसमें करीब आधा चम्मच। और अब मैं इसमें ये नींबू का रस ऐड कर दूंगी, मैंने आधा नींबू का रस लिया है। इसमें मैं एक चम्मच के करीब शहद लूंगी, इन सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। सॉसेज में भी जो है नमक है तो इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। और ये कुटी हुई काली मिर्च है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप शहद की जगह इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें अपनी वेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं आधे कप के करीब स्प्राउट्स ले रही हूँ। स्प्राउट्स आप कोई भी ले सकते हैं या मिक्स स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास कुछ वेजेस हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। तो ये एक टमाटर है और ये उबला हुआ आलू है। प्याज, पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, और यहाँ मैंने ये कॉर्न्स लिए हैं, ये फ्रोजन वाले हैं। और यहाँ पर मैं आधे चम्मच के करीब तिल ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस सैलेड में फ्रूट्स भी अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं, उन्हें भी बारीक बारीक काट के आप इसमें ऐड कर दीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है ये। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा ये खट्टा मीठा तीखा सैलड। तो अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा स्प्राउट सैलड। इसे आप ठंडा ठंडा चिल्ड एकदम इसे सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है, डिलीशियस है, प्रोटीन से भरपूर है। तो अगर आपको ये मेरा आज का तीखा चटपटा सा सैलड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।